गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू योर इंग्लिश लैंग्वेज क्लास एंड वी आर गोइंग टू डू पेज नंबर 40 and 41, दैट इज़ चैप्टर 8 एडजेक्टिव्स एक्सरसाइजेस। आज हम लोग एक्सरसाइजेस करेंगे चैप्टर 8 एडजेक्टिव्स की। सो स्टूडेंट्स, ओपन पेज नंबर 40 एंड फर्स्ट वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर ए, दैट इज़ मैच द एडजेक्टिव्स विद द एप्रोप्रिएट नाउंस। यहाँ पे आप लोगों को एक साइड एडजेक्टिव दिया है और दूसरी साइड उसके नाउंस दिए हैं और इनको मैच करना। सो लेट्स सी, क्वेश्चन नंबर 1 इज लेज़ी। सो इन सब में से लेज़ी का क्या होगा? लेज़ी इज कैट। देन नंबर 2 इज फनी। फनी कौन होता है? क्लाउन। क्लाउन मीन्स जो जोकर होता है, राइट? यस। थर्ड इज़ टाइनी। वॉट इज़ टाइनी? टाइनी इज़ एंट। टाइनी मतलब छोटी, एंट होती है। ब्लू, ब्लू क्या होता है? ब्लू तो सबको पता होगा, स्काई होती है। देन फिफ्थ इज डिलीशियस। डिलीशियस क्या चीज़ होता है? कुछ भी हो सकता है, फूड हो सकता है, केक हो सकता है। सो हियर वी आर हैविंग ऑप्शन, दैट इज़ केक। सिक्स इज़ थिक। थिक क्या है हमारा? थिक इज़ बुक। सो यहाँ पे हमें एक साइड एडजेक्टिव दिया और दूसरी साइड नाउंस। एडजेक्टिव्स क्या होता है हमारा? एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो होते हैं जो कि नाउंस को डिस्क्राइब करते हैं। दे टेल अस मोर अबाउट पर्सन, प्लेस, एनिमल, बर्ड और थिंग, राइट? यस। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज पिंक। पिंक क्या है? पिंक हमारा यहाँ बैग है। 8 इज स्लाई। स्लाई मीन्स, स्लाई क्या है? स्लाई है फॉक्स। देन 9 फेथफुल। फेथफुल कौन होता है? फेथफुल डॉग। वैसे तो कोई भी हो सकता है, बट वी नीड टू सी द ऑप्शंस। हमें ऑप्शंस देख के मैच करना है। देन 10th इज वाइस। हु इज वाइस? वाइस आउल कैन बी वाइस और अ फॉक्स कैन बी वाइस, कुछ भी हो। वी हैव टू ओनली टेल द क्वालिटी ऑफ द नाउंस। क्वालिटी बतानी हमें नाउंस में। इसमें हमें ये तो बोला नहीं है कि फिक्स है, तो हम लोग फॉक्स में वाइस भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है? यस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर बी। लेट्स रीड द क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक्स विद द गिवन एडजेक्टिव्स। सो स्टूडेंट्स, हियर यू कैन सी अ बॉक्स। एक बॉक्स दिख रहा है आपको यहाँ पे, आपके कुछ एडजेक्टिव्स दिए हैं, दैट इज ब्लू, लॉन्ग, राउंड, फेथफुल, ओल्ड, कोल्ड, बनी, फनी, ब्लैक, राइट? सो वी हैव टू पुट दैम इन द फिल इन द ब्लैंक्स। सो फर्स्ट क्या है क्वेश्चन? द डैश वेदर इज मेकिंग मी शिवर। सो क्या होगा इसमें आंसर? आंसर विल बी कोल्ड। जब ठंडा वेदर होता है तभी तो हमें ठंड लगती है। यस। सेकेंड इज द डैश मैन वॉक्स विद द हेल्प ऑफ हिज स्टिक, वॉकिंग स्टिक। सो कौन सा मैन, कैसा मैन है जो वॉकिंग स्टिक की हेल्प से चल रहा है? सो इट विल बी एन ओल्ड मैन। देन क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट अ डैश फिल्म इट वॉज। सो क्या आएगा डैश में? फनी, फनी फिल्म इट वॉज। फिफ्थ, फोर्थ इज द क्लाउन हैड डैश हेयर। क्लाउन के कैसे हेयर्स हैं? यहाँ पे जो हमारे जो ऑप्शंस दिए थे उसमें से जो बेस्ट फिट होगा इसमें ये होगा, ब्लैक हेयर्स। फिफ्थ इज कुड यू ब्रिंग मी द डैश राउंड मिरर इन माई रूम। सो इट विल बी, आंसर विल बी राउंड। सिक्स्थ इज द डॉग इज अ डैश एनिमल। डॉग कैसा एनिमल होता है? फेथफुल एनिमल। ये तो आपका उसमें भी था, मैचिंग में। देन 7th, डिड यू सी द डैश टेल ऑफ द पिकॉक। क्या आपने पिकॉक की डैश टेल देखी? कैसी होती है पिकॉक की टेल? लॉन्ग। देन 8th, द डैश स्काई डज नॉट हैव अ सिंगल क्लाउड। किस कलर की होती है स्काई? ब्लू। जो हमें ऑप्शन दिया है उसमें से बेस्ट सूट जो करेगा वो ऑप्शन है ब्लू। यस। नाउ क्वेश्चन नंबर सी, लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर सी। सर्कल ऑल द एडजेक्टिव्स इन द सेंटेंस। इसमें जो जो हमें एडजेक्टिव्स दिए हैं उन्हें हमें सर्कल करना है। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज प्लीज़ गिव मी सम राइस इन अ स्मॉल बाउल। तो बाउल हमारा कैसा है? स्मॉल है, तो हमें इसमें नाउन की क्वालिटी बतानी है ना। सो ये हो गया स्मॉल बाउल। स्मॉल इज अवर एडजेक्टिव।
Then second is the black cat ate some bread and many biscuits. So कैसी है cat? Black है. So adjective is black. Then third is please give me some money. तो कितना money चाहिए? थोड़ा सा money चाहिए. Some money. So ये हो गया आपका C का answer. Some money. The fourth is the young man drinks a lot of milk every day. So man कैसा है? Young. Young मतलब जवान आदमी है ना, तो ये आदमी की क्वालिटी बता रहा है, तो एडजेक्टिव इज यंग. देन फिफ्थ इज माय स्लीपर्स आर वेट. स्लीपर्स कैसे हैं? वेट हैं. सो वेट इज एडजेक्टिव हियर. सिक्स्थ इज द फील्ड इज फुल ऑफ लिलीज. फुल ऑफ लिलीज मतलब लिलीज कितनी सारी? बहुत सारी है. एंड द लिलीज आर ब्यूटीफुल. सो यहाँ फुल और लिलीज क्या हो गया? एडजेक्टिव. देन सेवन्थ इज मुकुल इज़ द थर्ड बॉय इन द रो. मुकुल कौन से नंबर पर है? बॉय, थर्ड बॉय. तो ये किसकी क्वालिटी बता रहा है? बॉय की, कि थर्ड नंबर पे है. सो इट विल बी एन एडजेक्टिव. देन एट इज मोबाइल फोन्स आर यूजफुल. मोबाइल फोन्स हम लोग के लिए क्या होते हैं? यूजफुल होते हैं. सो वी विल सर्कल इट एंड इट विल बी एन एडजेक्टिव. ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे. Here we have completed our chapter. Okay, students, thank you.